अगर आपको किसी का खोया हुआ पर्स मिले तो आप क्या करेंगे? इसे अपने पास रख लेंगे या फिर उसके मालिक को लौटा देंगे? लोगों की ईमानदारी और उनके स्वभाव को परखने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने बड़े पैमाने पर अध्ययन किया। भारत समेत 40 देशों के 355 शहरों में किए गए अध्ययन का नतीजा यह निकला कि अगर लोगों का पर्स गुम हो जाता है तो 40% लोग इसे लौटा देते हैं। वहीं अगर पर्स में कुछ ही रुपए रखे हुए हों ताई इसे लौटाने वाला का आंकड़ा बढ़कर 51% हो जाता है। यदि पर्स में नकदी ज्यादा रखी हुई हो तो 72% तक लोग इसे लौटा देते हैं। अध्ययनकर्ताओं ने दुनिया भर में ईमानदारी को परखने के लिए करीब 17,000 पर्स का इस्तेमाल किया। तीन तरह के पर्स होते हैं। यह जानने की कोशिश की गई कि लोग खोया हुआ पर्स मिलने पर क्या करते हैं, वे इसे लौटाते हैं या रख लेते हैं। यह भी जाना कि पर्स में कैश ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है। पर्स तीन तरह के थे, एक खाली, दूसरे में 1,000 रुपए और तीसरे में 6,500 रुपए। सभी बटुए में व्यक्ति की पहचान के अलावा किराने के सामान की लिस्ट, एक चाबी और कुछ बिजनेस कार्ड रखे गए थे। ज्यूरिख क्यूएम स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर एलिन कोहन ने कहा कि आर्थिक विकास के लिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। ज्यूरिख यूनिवर्सिटी के ही मिशेल एंड्रे मर्केल ने कहा कि लोगों की प्रतिक्रिया ऐसी थी कि भले ही वे कितनी भी खराब आर्थिक हालत में हों, लेकिन वे खुद को चोर कहलाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते।